ভোট দেব জম্মু কাশ্মীর 370 প্রত্যাহার পরে প্রথম নির্বাচন কাশ্মীর ঘাটিরে ত্রিমুখী লড়াই মেহবুবা বনাম গোলাম নবী কংগ্রেস কু সাহা পিডিপি বিজেপি সহ হাত মিলাইবে কি ডিপিএপি ভ্যালিরে বড়িলানি নির্বাচনী হাওয়া ভোট পাই প্রস্তুত হলেনি প্রার্থী ধারা 370 উচ্ছেদ পরে নির্বাচন দূরে রহিতবা নেতা পুনি থরে সমরসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছেন্তি 2019 পরে প্রথমতর পাই জম্মু কাশ্মীরে লোকসভা নির্বাচন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে निर्वाचन आयोग तारीख घोषणा करने पर घाटी में भोट पारा उपर मना निर्वाचन पर नेता मध्य उत्कंठा बढ़वे लगी जम्मू काश्मीर लद्दाख अलग होगापर एठार 5टी लोकसभा आसन में मतदान होने जातीय दल कांग्रेस और बीजेपी व्यतीत आंचलिक दल मैंने निजर प्रार्थी घोषणा कर प्रार्थी घोषणा आगे पीडीपी 3टी आसन में लड़ मुक्ति बाहिनी 2टी सीट्रे कांग्रेस को समर्थन घाटी में मेहबूबा को चेक देवे आजाद बारामूला श्रीनगर और अनंतनाग रजौरी प्रार्थी घोषणा करिछि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हेले जम्मू और उधमपुर संसदीय क्षेत्र में दल कौन प्रार्थी देना यह दुईट आसन कांग्रेस समर्थन में छाड़ी पीडीपी सुप्रीमो सेपटे गुलाम नबी आजाद द्वारा नुआ करी गठित होता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बा पीडीएपी निर्वाचन बैतरणी पार होगा मैदान को ओह्ल चलित 2024 महासंग्राम अनंतनाग रजौरी मुहांमुही हेबे गुलाम नबी आजाद और मेहबूबा मुफ्ती सेपटे काश्मीर भैलीर अन्यतम कड़ा प्रतिद्वंदी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3टी आसन में प्रार्थी घोषणा करी 2019 के बाद सबसे बढ़िया निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला जाए, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आते, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं, तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। जम्मू कश्मीर में प्रार्थी घोषणा करार पछरे पड़ी भारतीय जनता पार्टी और जातीय कांग्रेस बीजेपी काश्मीर अंचल 3टी आसन में आशायी ना प्रकाश करता बेले कांग्रेस एवं अड़ुआ अंक छिंडू ना मात्र जातीय कांग्रेस काश्मीर में धारा 370 उच्छेद को अस्त्र कर निर्वाचन बैतरणी पार होगा प्रयास चलाई दल क्षमता को आसिले जम्मू काश्मीर को पुणी थे राज्य मान्यता फेरई देव प्रतिश्रुति देबड़े किंतु बीजेपी झेलम उपत्यकार बहुत विकास स्रोत को संबल कर भोट अमल करने को चेष्टा करवादीय धारा 370 उच्छेद पर 5 वर्ष में काश्मीर घाटी को फेरी शांति सौहार्द और पर्यटन विकास को नहीं रणनीति प्रस्तुत कर जम्मू काश्मीर में 5टी पर्यायर लोकसभा निर्वाचन हो एप्रिल 19 रे प्रथम पर्यायर उधमपुर लोकसभा सीट पर मतदान हो यापर एप्रिल 26 द्वितीय पर्यायर जम्मू सीट्रे भोटिंग तृतीय पर्याय मे 7 अनंतनाग आसन में जनमत सब्यस्त करेंगे जनता से मे 13 चतुर्थ पर्यायर श्रीनगर और पंचम पर्यायर मे 20 बरमुला सीट्रे निर्वाचन हो फलाफल आसव जून 4 तारिखे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय न्यूज़ 7 डिजिटल।